फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, पाकिस्तान में हड़कंप, डर के भागी पाकिस्तानी सेना, जाने वाले हैं इमरान। अच्छा, इमरान खान। मैंने पता क्या सोचा कि उनमें हड़कंप पिछली होगी क्योंकि हमारी जो मिसाइल थी वो गिर गई है, पर ये कुछ और ही है। ये इमरान खान का मेरे ख्याल से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है उसके ऊपर होगा। तो देखते हैं कि उसमें क्या मतलब, सेना क्यों भैया, वो उनको क्या हुआ है। तो वीडियो पहले शुरू करते हो, पता करते हैं ये न्यूज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी और विपक्षी दलों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है जो अब धीरे धीरे गृह युद्ध में बदलता जा रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में इसकी आग फैल चुकी है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना को मैदान छोड़कर भागना पड़ रहा है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इमरान खान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पाकिस्तान के सभी विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इमरान खान को लगातार तख्ता पलट का डर सता रहा है और अब वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में पुलिस को भेजने तक की नौबत आ गई है। सरकार के इशारों पर पाकिस्तान की पुलिस ने संसद के अंदर बने लॉज पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि इस लॉज में पाकिस्तानी विपक्ष के सांसद मौजूद थे जिन्हें लगातार इमरान खान की सरकार से धमकियां मिल रही हैं। इन्हीं धमकियों के चलते लॉज में सांसदों की सुरक्षा के लिए एक कट्टर संस्था के वॉलंटियर्स को बुलाया गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद के इशारे पर पाकिस्तान की पुलिस ने संसद के लॉज पर धावा बोला और इन वॉलंटियर्स को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्यवाही के बाद पूरे पाकिस्तान में जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। पेशावर में तो प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना के जवानों को ही घेर लिया जिसके बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। एक पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक पुलिस ने इस मामले को लेकर अब वॉलंटियर्स के अलावा चार विपक्षी सांसदों को भी अरेस्ट कर लिया है। पाकिस्तानी सरकार के इस कदम को लेकर विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये इस बात का सबूत है कि इमरान खान घबरा गए हैं। पाकिस्तान में ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फ्रेंड्स, जो कुछ महीने पहले प्रिडिक्ट किया था, यहाँ इंडिया से प्रिडिक्शन थी कि भैया ये जो इमरान खान है ये तो जाने वाले हैं, और यही बताया था कि मार्च अप्रैल के टाइम तक ये हो जाने वाला मार्च में। हाँ, तो वही है, मार्च, अभी मार्च ही है, शुरुआत हो गई मार्च की और इनका निकलने का टाइम हो गया। मुझे तो लग रहा है कहीं हमारा हाथ तो नहीं है, निकलने वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि वहां पे ऑपोजिशन टुगेदर हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, मोशन उसका पता नहीं रिजल्ट क्या हुआ कि अभी उसका चल रहा होगा तभी कुछ सुनने को नहीं आया। लग रहा है कि वहां पे कुछ चल रहा है और अगर सारी ऑपोजिशन एक तरफ हो जाए तो प्रॉब्लम आने वाली है। और जैसे कह रहे हैं कि जो भी कार्य हो रहा है वो गलत कार्य हो रहा है क्योंकि पीसफुली अगर ऑपोजिशन कहीं बातचीत कर रही है और आप वहां पे लोगों को भेजें कि आप उनको ना बातचीत करने, तो अजीब सी बात है क्योंकि पीसफुली कोई भी कहीं भी बात कर सकता है। तो नहीं, वो ये हो रहा है कि उनको जो ऑपोजिशन वाले हैं उनको धमकियां दी जा रही हैं इमरान खान की साइड से। हाँ, ठीक है। तो धमकियों की वजह से उन्होंने कोई एक ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया अपनी सिक्योरिटी के लिए संसद में कि तुम अपने लोग भेजो हमारी सिक्योरिटी के लिए। वो लोग वहां पे होंगे संसद में उनकी सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ से इमरान खान ने पुलिस को जो है वहां से भेज दिया। वो जो सिक्योरिटी के लिए उनके वो थे उन सबको पकड़ के गिरफ्तार ही कर लिया। तो वही ना, क्योंकि अगर कोई दूसरा बंदा सिर्फ सिक्योरिटी किसी को देख रहा है दे रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। नहीं ना, पर संसद में मीन्स पार्लियामेंट में ना, तो पार्लियामेंट जो आए हैं तो वो भी तो गन गुन लेके ही आए होंगे ना सिक्योरिटी। और वो चलिए, हाँ, ये तो फिर लॉजिकल है अगर संसद के अंदर है, इस वजह से तो नहीं है। मैं तो ये सोच रहा, पता नहीं संसद के अंदर लॉज कैसे हो गया कोई, बट ऐसा लग रहा है कि ठीक है। तो अगर किसी को धमकी मिली है तो ये भी पॉइंट है, वो बाहर भी मिल सकते थे, पता नहीं संसद के अंदर ही उनको क्यों मिलना था, कहीं पर भी मिल सकते थे। मगर जैसे कह रहे हैं टेंशन इंक्रीज हो गए क्योंकि अब कोई
चैलेंज करने वाले आ रहे हैं यूनाइट होकर, सब इकट्ठे हो गए हैं, तो इकट्ठे होकर अगर चैलेंज करेंगे देन डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, तो देखते हैं क्या होता है। मगर ऐसा फोरकास्टेड था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मगर इमरान खान ने पहले बोला था कि मेरे पास आर्मी है, हाँ। तो उन्होंने कहा था तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे साथ में आर्मी है, मतलब उनका उन्होंने वैलिडेट किया था कि पावर में वो ही आएगा जिसके साथ आर्मी है। पर अभी इस न्यूज में यह भी बताया गया कि लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए, मतलब पब्लिक ने, और उस वजह से आर्मी भी वहां से भाग गई। ये भी तो बोल रहे क्या नहीं, मतलब, दिखा रहे थे कि वो जा रही है गाड़ियां, अगर कोई पीसफुली प्रदर्शन कर रहा है तो वैसे भी आर्मी का लेना देना नहीं है, तो अगर आप पीसफुली कर रहे हैं आराम से आप चलते हुए जा रहे हैं रोड में नारे करते हुए, तो मुझे पता नहीं, वैसे इंडिया में तो वो वैलिड है मगर पाकिस्तान में क्या सिचुएशन मुझे पता नहीं है, पाकिस्तान में मगर जो भी ट्रू डेमोक्रेसीज है वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है और आप बिल्कुल ही प्रोटेस्ट कर सकते हैं पीसफुल तरीके से, तो ये मुझे पता नहीं वहां पे क्या होता, मगर हमने कई देखे हैं फुटेजेस जहां पे लोग डेफिनेटली सड़कों पे आ जाते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रदर्शन करते हुए जाते हैं नहीं, और बहुत भीड़ हो रही है इस बार इमरान खान के अगेंस्ट, जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो बहुत ही ज्यादा है। हमने एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत सारी भीड़ थी और हमें लग रहा था वो इमरान खान के सपोर्ट में, बाद में पता लगा उनके सपोर्ट में नहीं थे, उनके अगेंस्ट आए हुए थे, वो तो हम देखे इतना शॉक लगा था कि इतने सारे लोग बिल्कुल मतलब अगेंस्ट में आ गए, तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। और मेरे ख्याल से वही है कि जब किसी को भी लगता है कि कंट्री नहीं आगे बढ़ रही, साथ में वो कम्पीट करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके ऊपर से ऐसे हादसे होते रहते हैं, मिसाइल गिर जाती है उनको पता नहीं चलता, तो मतलब जो भी चीजें, तो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे ये क्या चल क्या रहा है। वो तो है, पर इसमें ये एक अच्छी चीज है कि अब जो इमरान खान जो है ना घबरा गए हैं, वो इंसान जो हर जगह बोलता रहता था अब आपने घबराना नहीं है, वो खुद ही अब घबरा गया है। मतलब पॉलिटिक्स में होता है ये, और वो पॉलिटिक्स में आए हैं तो उनको पता था कभी ना कभी तो कोई ना कोई अपोजिशन इकट्ठी होगी और प्रोटेस्ट करेगी, तो देखते हैं क्या होता है। ऐसे मतलब ये यही चल रहा है, पता नहीं चला कि एग्जैक्टली कब चेंज होगी उनकी पावर, हो तो स्टडी करना पड़ेगा, मगर काफी आसानी से नहीं जाने वाले ऐसे लग रहा है कि इस टाइप से अगर मिलिट्री मुल्ट्री हेल्प या पुलिस की हेल्प भी लेनी पड़ी इन्हें कंट्रोल करने के लिए, ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आसानी से नहीं जाने वाले हैं। अगर आर्मी उनके साथ है तो मेरे ख्याल से कोई हटा नहीं है कि नहीं है पता चलना, हमें हमने तो ये नहीं सुना था कि आर्मी साथ में, उनका क्या तो यही लग रहा था आर्मी तो दूसरी किसी और को सोच रही है कि किसको अब करें, पर अब देखते हैं क्या होता है। तो पर भैया उन्होंने घबराना जरूर है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि अब टाइम आ गया घबराने का, क्योंकि उनके इंटरनल भी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है और यहाँ से इंडिया से मिसाइल्स भी आ रही हैं, तो बेचारे क्या करें, वो तो फंस गए हैं, है ना भाई। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।